हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो मेरे चैनल पर पर्ल के बहुत सारे स्वेटर डिज़ाइन और बॉर्डर डिज़ाइन के वीडियोस हैं, पर आज मैं आपको एक और नया मोती वाला बॉर्डर डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे आप लेडीज स्वेटर में डाल सकती हैं, कार्डिगन में डाल सकती हैं, ब्लाउज में डाल सकती हैं, बच्चों के स्वेटर में डाल सकती हैं, गर्ल्स टॉप में डाल सकती हैं, गर्ल्स कार्डिगन में डाल सकती हैं, कैप में डाल सकती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वूल के एक सिरे पर फेविकॉल लगाकर इसको टाइट कर लिया है, जिससे कि ये मोती जो हैं वो आसानी से इसमें चले जाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको दो के जोड़े में फंदे लेने हैं। ये मैंने 16 फंदे लिए हैं, 2 के मल्टीपल में आपको स्टिचेस लेने हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो ये हमारी बेसिक रो है, इसको हमें एक बार ही बनाना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुन लेनी है हमें, बेसिक रो है ये हमारी, और इसके बाद एक सिलाई हम और उल्टी बुनेंगे। देखिए, पूरी सिलाई कंप्लीट हुई, अब एक सिलाई हम और उल्टी बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप किया और पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। बेसिक रो वो होती है जो हमें केवल एक बार ही बुननी होती है शुरू में, फिर आगे हमें ये सिलाइयाँ नहीं बुननी हैं। ये देखिए, हमारी दो सिलाई कंप्लीट हुई। दो सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली। ध्यान रखिएगा, ये दोनों सिलाइयाँ हमें केवल एक बार ही बुननी हैं। अब देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे अब, ये एक पर्ल हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और ये आगे लाए। अब इसको हमें वूल को खींच कर देखना है, जो वूल हमारा खींच रहा है उसको तो हम छोड़ देंगे, और जो वूल नहीं खींच रहा है उससे हम दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब वूल को पीछे से खींच लेना है, फिर से एक मोती इस तरह से लाए, इसको ऐसे पकड़ना है और आगे लाना है। अब ये वूल हमारा खींच रहा है और ये नहीं खींच रहा है, तो इससे हम दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। इसको पीछे से खींच लेना है वूल को, फिर से एक मोती ऐसे पकड़ लेना है, वूल को आगे लाना है, जो वूल नहीं खींच रहा है उससे हम दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब इसको पीछे से खींच लेना है। फिर से एक मोती इस तरह से पकड़कर ऐसे आगे लाएंगे। अब जो वूल नहीं खिंच रहा था उससे दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब वूल को पीछे से यहाँ से पकड़कर ऐसे खींच लेना है। पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुन लेंगे।
इसको आगे लाए, अब दो फंदे उल्टे बुने, वूल को पीछे से पकड़ा यहाँ से और खींच लिया, ये लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हुई और हम बैक साइड पर आ गए। अब देखिए पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। अब हम फिर से फ्रंट साइड पर आ गए। देखिए ये जो दो सिलाई अभी मैंने बुनी हैं, इन्हीं दोनों सिलाइयों को आगे रिपीट करते जाना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा बुनकर कैसे बनाना है। पहला फंदा हमने स्लिप किया, और ये वूल को आगे लाए, अब दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से वूल को ऐसे आगे लाए, दो फंदे उल्टे बुने और इसको पीछे से पकड़कर खींच लिया। फिर से मोती को पकड़ा और ऐसे आगे लाए, दो फंदे जो वूल नहीं खिंच रहा है उससे उल्टे बुने, अब वूल को यहाँ से पकड़ा पीछे से और खींच लिया। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। ये देखिए लास्ट फंदा सीधा बुनेंगे। अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए इसी तरह से आपको जितना बड़ा बॉर्डर बनाना है आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान बॉर्डर डिजाइन है, बहुत प्यारा लगता है बनकर के। किसी भी कलर में आप इसको बनाइए और आप इसमें जिस कलर के भी चाहें बीट्स यूज कर सकती हैं। जो पर्ल हैं आप किसी भी कलर के यूज कर सकती हैं जो आपको अच्छे लगें। कार्डिगन में आप इसको बनाइए और ऊपर आप प्लेन बुन लीजिए, या ऊपर कोई दूसरा डिजाइन डालकर भी आप इसको बना सकते हैं। बॉर्डर आप इस तरह का बना लीजिए मोती वाला। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियोज़ आप जल्दी से जल्दी देख सकें। मेरे चैनल पर जो और पर्ल बॉर्डर डिजाइन हैं या स्वेटर डिजाइन हैं उनके वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।